कहते हैं दूसरों की आंखों में खुशी देखने का नाम ही जिंदगी है। इस बात को कई लोग अपने दिल पर ले लेते हैं। मसलन के तौर पर हमारे बिहार के कौशिक कुमार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज भी भारतवर्ष के कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली की तारें पहुंच नहीं पाई है। आज भी वहां के गरीब किसान अपने घर पर थोड़ी सी रोशनी के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। जब कौशिक को इस बात का पता चला तब वे सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि इन गरीब किसानों के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। आगे चलकर उन्होंने किसानों को सोलर किट मुहैया करवाना शुरू कर दिया। आज वे 30 से 35 गांव में सोलर किट पहुंचाने में कामयाब हो गए। तो लीजिए सुनते हैं कौशिक कुमार क्या कहते हैं। हमारा एजुकेशन झारखंड में हुआ है। झारखंड से मैंने स्कूलिंग की, आफ्टर ग्रेजुएशन हमने भागलपुर इंडस्ट्री बिहार से किया। एमबीए भी हमने वहीं पे कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि अपने आप को बूस्टअप करने के लिए और अपने आप को और भी नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए हमने अपने आप को कलकत्ता से किया। लंबे समय से मैं सोलर में काम कर रहा हूँ, और सोलर में काम करते हुए जब मैं रूरल एरिया में गया तो देखा कि वहाँ पे काफ़ी लोग परेशान हैं इलेक्ट्रिसिटी से को लेकर के, और मेजरली इलेक्ट्रिसिटी से ही लोग, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने के कारण गांव में लोग बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान रहते हैं, किचन में महिला ही परेशान रहती हैं, वो लोग केरोसिन यूज़ करती है। केरोसिन के कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो काफ़ी हानिकारक होता है बॉडी के लिए। साथ में बच्चे लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, वो आँखों की दृष्टि चली जाती है, जिस कारण से वो लोग, मैं देखा जब मैं गांव, बहुत सारे गांव में विजिट किया, मैक्सिमम गांव में जहां पे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है या लोड शेडिंग रहती है वहां पे वो लोग केरोसिन का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों नहीं सोलर को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए। तो इस तरह मैं भी काफ़ी सारे विजिट करने के बाद काफ़ी सारे एनजीओस के साथ में मिला, तो हमने मैक्सिमम फीडबैक पाया वहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी स्थिति ख़राब है, रोड्स की स्थिति तो जो भी है ही। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को देखते हुए सोलर को इम्प्लीमेंट किया। सोलर को इम्प्लीमेंट करते हुए जब मैं इम्प्लीमेंट किया गाँव में, तो ये कॉस्टली हो जा रहे थे, काफ़ी अफोर्डेबल नहीं थे गाँव वाले के लिए। तो मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कोशिश किया ताकि उनके बजट में हो, जैसे फार्मर हैं, डेली वेजेस काम करने वाले खटने वाले मजदूर, उन लोग के लिए ये यूटिलाइज़ किया जा सके, वो लोग यूज़ कर सके। तब मैंने एक सोलर किट को डेवलप किया जो कि सोलर पावर बैंक के हिसाब से ये काम करता है। इसमें मैक्सिमम 3 लाइट्स हैं, मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी रहती है, बच्चे पढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट ये स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम रहता है, जिसमें जो कि बच्चे की पढ़ाई के लिए हो या फिर उन इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी हो तो एटलीस्ट वो अपने सिस्टम को चार्ज कर सकता है। ऐसा करते हुए हमने एक स्मॉल किट डेवलप किया और मैं एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया, जिसमें काफ़ी मेरे को मदद मिली। इसमें मैंने देखा ये चीज़, जब मैं एनजीओ के थ्रू गाँव में इसको प्रोड्यूस किया तो फार्मर्स वे रूरल एरिया में काम करने वाले पंचायत में जो सरपंच होते हैं उसके थ्रू मैंने गांव-गांव में और भी इनको फेस किया, काफ़ी गांव में स्प्रेड हुए, एक्सेप्टेंस हुए और काफ़ी यूटिलाइजेशन इनका बढ़ गया। तो इनका एक बेनिफिट ये है कि यदि सोलर में हम लोग इम्प्लीमेंट करें गांव में, जिस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो सोलर एक मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट है, सोलर एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और बच्चे रूरल एरिया में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में जो प्रॉब्लम आती है ड्यू टू लोड शेडिंग के कारण से, ये काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी यूटिलाइज इससे किया जा सकता है, जिसके इसके फ्यूचर को डेवलप करने में
नॉट ओनली फ्यूचर पढ़ाई में, इनसे आप मल्टी यूज़ कर सकते हैं। आप फार्मर्स जो हैं, ये अपने एग्रीकल्चर में पानी पटाने के लिए हो, या फिर आपके हार्वेस्टिंग हो रही है, हार्वेस्टिंग में काम कर सकते हैं, या फिर आप इसमें इसको आप स्मॉल किट के हिसाब से अपने आप बाइक में यूज़ कर सकते हैं। इससे बैटरी चार्ज करके, सोलर से बैटरी को चार्ज करके बाइक हो या फिर साइकिल हो, साइकिल को भी डेवलप कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक ई बाइक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस सब में मैं अभी काम किया जा रहा है, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट की है, लेकिन हमने अभी सोलर किट के ऊपर ही काम कर रहा है, जो कि स्मॉल एक स्टैंड अलोन पावर बैंक के हिसाब से काम करता है और काफ़ी यूटिलाइज है, इससे गाँव बेनिफिट हो रहा है। सोलर इंडस्ट्री में मैं 13 ईयर से जुड़ा हूँ और अभी तक मैं 25 से 30 गांव कवर कर चुका हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन में, डिफरेंट कंपनीज को लीड करते हुए, और ये इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, ये इन टोटल है। और इसमें जैसे वेस्ट बंगाल में सुंदरबन मैक्सिमम है, जहाँ पे कि ग्रिड का कनेक्शन बिल्कुल ही नहीं है, अभी ग्रिड आ गए हैं मैक्सिमम, लेकिन लोड शेडिंग की प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे। और बर्दवान है, मिदनापुर है, पुरुलिया है, बांकुड़ा है, ये सब एरिया काफ़ी इफेक्टेड रहे हैं। झारखंड में रांची, गुमला, चतरा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, राजमहल, नॉर्थ ईस्ट में असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, और इसके अलावा उड़ीसा में कालाहांडी है, बारीपदा है, बैरमपुर है, और कटक है, ये सब एरिया, सुंदर झारसुगुड़ा है, ये सब एरिया में कवर किया हूँ थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनजीओ हमने इसमें काफ़ी मदद किए हैं इस लाइट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और अभी इसको देखते हुए कमिंग फ्यूचर जो है सोलर में, वो बेसिकली ई व्हीकल इंडस्ट्री आने जा रही है काफ़ी बहुत जल्दी, जहाँ पे लिथियम बैटरीज प्लेस लेने जा रहे हैं जगह पे, तो लिथियम बैटरी का एक अच्छा मार्केट होने वाला है। ये डिमांडेड प्रोडक्ट है और ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल प्रोडक्ट है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी है और लॉन्ग लाइफ है, इसकी साइकिल लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा है, 5 to 10 years, 5 years वारंटी यदि है तो 6 to 7 years आराम से जाते हैं, मेंटेनेंस फ्री है और काफ़ी कम स्पेस लेते हैं, इजी टू हैंडी है, कोई भी काफ़ी आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई भी कैरिबल है। तो आने वाले समय में पेट्रोल एंड डीजल के जिस तरह रफ्तार से रेट बढ़ रहे हैं, इस जगह को गैप को पूरा करने के लिए लिथियम बैटरी ही एक ऐसी बैटरी है जो कि काफ़ी सपोर्टिव हो सकती है। वो चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई व्हीकल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसको चार्ज करने के लिए यहाँ भी सोलर एक ऑप्शन है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वहाँ पे सोलर के थ्रू हम इसको चार्ज कर सकते हैं आराम से, और काफ़ी इफ़िशेंटली ये चार्ज हो सकता है। लिथियम बैटरी एक ऐसी बैटरी है, कम समय में चार्ज हो सकती है, इजी टू चार्ज एंड डिस्चार्जिंग स्लो होती है इसमें, तो ये एक एडेड एडवांटेज है लिथियम बैटरी की। तो काफ़ी सारे अभी चार्जिंग स्टेशन खुलने वाले हैं जो कि हम इसको सोलर में कन्वर्ट करेंगे आने वाले कमिंग फ्यूचर में, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो सोलर एनी हाउ आने वाले समय में एक लीडिंग मतलब कि एनर्जी के हिसाब से ये रहेंगे और काफ़ी सपोर्टिव साबित होगा, और मैं यहाँ एक सोलर इंडस्ट्री में अच्छी जगह पे अभी स्टैंड किया हूँ, और आने वाले समय में इसको और भी आगे ले जाना है, ये हमारी क्रिएटिविटी और थिंकिंग है। कौशिक, भगवान आपका भला करें। न्यूज़ ब्यूरो 24x7 ताज़ा समाचार।